होता है। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि केमिस्ट्री जो क्या करता है, केमिस्ट्री इसके बारे में जानकारी देता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, भाई बताइए आप लोग। देखिए मुझे ना आप इसलिए रिप्लाई मत कीजिएगा मैसेज में, जानता हूँ आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एक सर बोलते मैसेज में रिप्लाई करो, एक सर बोलते हैं मैसेज में रिप्लाई मत करो बोलो। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मैथ्स वाले सर आपको मैसेज में रिप्लाई करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लोग मैथ्स के सर जो होते हैं ना, मैथ्स के सर जो है वो अपने कॉलर माइक का यूज करते हैं, कॉलर माइक में ईयरफोन नहीं होता है तो उनको ऑडियो सुनाई नहीं देता है, इसलिए वो बोलते हैं कि आपको रिप्लाई मैसेज में करो, मुझे सुनाई देगा आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है? तो जस्ट रिप्लाई किया करो। बताइए केमिस्ट्री क्या होता है, कहा मैंने व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, अरे रिप्लाई करो भाई रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे matter. आगे बढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। मैटर, हाँ स्टडी ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर, दैट जो क्या करता है, विच ऑक्यूपाई द स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और क्या करता है, और जिसका अपना क्या होता है, मास होता है, बराबर है। फिर हम लोगों ने देखा था मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि दो बेसिस पर क्लासिफाई होता है, कौन सा बेसिस था वो है? जल्दी जल्दी हो गया, फिजिकल एंड केमिकल, केमिकल फिजिकल एंड केमिकल, हाँ तो बताइए फिजिकल बेसिस के हिसाब से मैटर कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप, कौन से, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, एंड व्हाट अबाउट द केमिकल बेसिस, केमिकल बेसिस के हिसाब से मैटर कितने टाइप के होते हैं, टू प्योर सब्सटेंस, टू टाइप, कौन कौन से होते वो, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई एलिमेंट जो होते हैं वो किससे बनते हैं, एटम्स, एटम्स कंपाउंड होते हैं वो किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से, ठीक है, या तो वो सेम टाइप के एटम्स रहेंगे या तो कि डिफरेंट टाइप के भी एटम्स होते हैं, बराबर है। ये हम लोगों ने कल देखा था, अभी आज हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा वो एटम्स के ऊपर रहेगा या फिर एलिमेंट्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एलिमेंट्स को समझने के लिए पहले हम लोग एटम समझते हैं, ठीक है, तभी हम लोग एलिमेंट्स को भी प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो बताइए एटम्स क्या होता है, कल ही आप लोगों ने मुझे बताया था एटम क्या होता है, क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, तो ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, गेट इट डन। फिर आप लोगों ने कल मुझे बताया था अब एटम के बारे में हम लोग को और क्या बनना है, तो एटम की ये चलो एक तरह की डेफिनेशन आप लोगों ने मुझे बता दिया कि भाई एटम होता क्या है। अब मुझे बताओ एटम जो होता है वो बनता किससे, मतलब एटम की कंपोजिशन क्या होती है, किससे बनता है एटम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको मैंने कल क्या नाम दिया था, क्या बोला था मैंने इनको, सब पार्टिकल, हमारे पहला प्रोटॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तो ऐसे तीन आप लोग क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिससे आप लोग का क्या बना रहता है, एटम, इससे क्या बना हुआ एटम, है एटम बना हुआ है, वेरी गुड। चलो अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखिए अगर आप लोग को एटम की प्रॉपर्टीज को समझना है तो एटम की प्रॉपर्टीज को समझना है उसकी प्रॉपर्टीज को पहले समझना पड़ेगा,
तो इसकी प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा सा शॉर्टली बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी जितनी बेसिक जरूर उतनी बात करेंगे। तो चलो पहले बात करते हैं प्रोटॉन। पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वेरी गुड। ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और उसके बाद में आप लोग का न्यूट्रॉन्स। बताइए न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ओके, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल, बराबर है। अब नेक्स्ट थिंग जो होती है, इनकी डिस्कवरी किस किस ने की थी, ओके, वो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि डिस्कवरी का कोई मतलब नहीं है कि भाई किसने डिस्कवर किया था, वो छोड़ के जाए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन चलो बात कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं कि प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को आपने डिस्कवर किसने किया है। तो ध्यान दीजिए, प्रोटॉन को डिस्कवर एक्चुअली यहाँ पर दो साइंटिस्ट के नाम आप लोग को हमेशा ध्यान में आएगा। कहीं कहा कभी कभार आप लोग को गोल्डस्टीन लिखा रहेगा, तो कभी कभार आप लोगों को रदरफोर्ड लिखा रहेगा। अगेन ध्यान में रखना, प्रोटॉन के डिस्कवरी के टाइम पर अगर आप डिफरेंट किताबें पढ़ोगे या फिर इवन इफ अगर आपने गूगल पर भी सर्च कर लिया, तो आप लोगों को ये दो अलग अलग नाम दिखेंगे। कभी कभार वहां गोल्डस्टीन लिखा रहेगा, तो कभी कभार वहां रदरफोर्ड लिखा रहेगा। एक्चुअली देखिए, प्रोटॉन के डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है दोनों भी साइंटिस्ट को जाता है, वो इसीलिए जाता है क्योंकि जो पहला साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, उसने सबसे पहली बार जो प्रोटॉन था उसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है, सबसे पहली बार इसने इसको देखा था। और रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन को आइडेंटिफाई किया और उसको नाम दे दिया। समझ में आ रहा है? तो ये दो वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन के डिस्कवरी के टाइम पर डिफरेंट साइंटिस्ट के, मतलब ये दो साइंटिस्ट के नाम आपके पास आते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करने का या फिर इसको ढूंढ के निकालने का जो श्रेय जाता है वो हमारे थॉमसन भैया को जाता है, जे थॉमसन। इसने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के निकाला था, जबकि आप लोगों का जो न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन को ढूंढने का पूरा श्रेय जाता है चैडविक, जेम्स चैडविक को। ओके, जेम्स चैडविक, इसने इसको ढूंढ के निकाला था। तो ये पार्टिकल होते हैं, ठीक है, देन जिसके डिस्कवरी इन लोगों के साइंटिस्ट ने किए थे। अब हम आगे बात करते हैं, आगे जो है इन लोगों का वेट। ओके, वेट मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है, जरूरी है दिमाग में रखना। तो प्रोटॉन का अगर हम वेट लेते हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन का वेट जो होता है वो लगभग होता है हमारा 1.672 इंटू 10^-27 kg। ये वेट ध्यान में रखना, प्रोटॉन का वेट है। ये कितना है प्रोटॉन का वेट, कितना है प्रोटॉन का वेट भाई? 1.672 into 10^-27 kg में है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लेटर ऑन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वो होता है 1.674 into 10^-27 kg। ये प्रोटॉन का वेट होता है। कितना होता है प्रोटॉन का वेट, कितना है? 1.674 into 10^-27 kg। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट आप लोगों का होता है वो होता है 9.1 into 10^-31 kg। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है? 9.1 into 10^-3 kg। ओके, डन। मुझे बताओ अब इसमें से सबसे ज्यादा वेट किसका है? प्रोटॉन का वेट सबसे ज्यादा है, न्यूट्रॉन का वेट सबसे ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का? अच्छे से देखकर बताइए। न्यूट्रॉन का ज्यादा है, ठीक
ये तो इलेक्ट्रॉन का कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या ज्यादा? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। देखिए मेरा ना एक मेरी एक खास बात बता देता हूँ, ठीक है? मेरी खास बात है कि मैं बड़ा कंफ्यूज करवाता हूँ, ठीक है? मतलब मैं मजबूर कर दूंगा आप लोगों को कि आपके सही आंसर को आप खुद ही गलत बोल दो, ठीक है? ये मेरी खास बात है। तो आपका जो आंसर है ना उसके ऊपर फर्म रहा करो, क्लियर है? बताइए वापस एक बार कि किसका वेट ज्यादा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? न्यूट्रॉन। मुझे तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा लग रहा है भाई। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन 10^-31 है, ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 27 है ना यार, ये 31 है, ये 27 है, 31 ज्यादा होता है 27। सर नेगेटिव में 27 जाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? तो जाहिर सी बात है नेगेटिव की वैल्यू है, ठीक है? तो ये कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा वेट जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है और फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। मैं आप लोगों को एक खास बात बता रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। क्या होता है, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो पार्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल है, ओके? और चार्ज पार्टिकल होने की वजह से क्या होते हैं, जहां पर चार्ज होता है ना वहीं पर प्रॉपर्टी होती है। मतलब समझाता हूँ, देखिए क्या है, अभी मैं चार्ज हुआ क्योंकि मैं खाना खा कर आया हूँ, मैंने नाश्ता करके आया, नहीं खाना नहीं खाया है, मैंने नाश्ता करके आया हुआ है, ठीक है? सुबह बढ़िया उठा था, माँ की दो गालियां खाई, बीवी की दो गालियां खाई, तो मैं आई एम फुली चार्ज, ओके? अब चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है ना मेरे पढ़ाने की, वो अच्छे से दिखाई दे रही है, क्लियर है? बट वॉट इफ अगर मैं चार्ज नहीं होता था तो आपको पढ़ने में मजा आता था क्या भाई? अगर आप खुद चार्ज नहीं होते थे तो आप पढ़ने के लिए आ जाते थे क्या, बताइए? नो सर। चार्ज होना जरूरी है, बराबर है? डन। मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है तभी वो काम करता है, उसको भी अगर आपने चार्ज नहीं किया तो वो भी काम करना बंद कर देगा, जाहिर सी बात है। तो भाई चार्जेस आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑफ चार्जेस सारी प्रॉपर्टी शो करेगा चार्ज, बराबर है? इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दो काफी इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाते हैं हम लोगों को। अब इसमें आप लोग अगर वेट के बारे में ध्यान दीजिए तो आप लोग को मैं वेट का कंपेरिजन बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट का अगर कंपैरिजन करना है ना तो इस तरह से करो, इलेक्ट्रॉन का वेट मतलब चींटी का है और प्रोटॉन का वेट मतलब हाथी का है, समझ में आ रहा है? इसके वेट का कंपैरिजन समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ चींटी, प्रोटॉन इज लाइक अ हाथी। मतलब प्रोटॉन के आगे इलेक्ट्रॉन का वेट मैटर करेगा क्या? नो। करेगा? नो, सर। नो। के आगे इलेक्ट्रॉन का वेट मैटर करेगा क्या? नो। करेगा? नो। जैसे यहाँ पर है हाथी है, ठीक है? ये हाथी है ना, हाथी दिखाई दे रहा है ना, हाथी है वो, ठीक है? अपनी मन की आंखों से खोलकर देखो, ये हाथी है। तो इस साइड में हाथी है और इस साइड में चींटी है, तो यहाँ एक ही चींटी है। अब मैंने यहाँ दो चींटियां डाल दी, फर्क पड़े? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे मैंने कहा चार्ज हो गए, एलिमेंट प्रेजेंट है हर 100 एलिमेंट, ये बताएं। अब भाई ये डिस्टर्बेंसेस आने वाले, इसलिए ज्यादा कॉल आ जाते हैं क्लास लेते टाइम ही,
पता नहीं क्यों। हाँ तो ये चीज होती है। अब हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि भाई ये 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है, और अगर हम लोगों ने हर एलिमेंट को पकड़ पकड़ के उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट किया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा सबके प्रॉपर्टीज को ध्यान रखने के लिए। तो हमने क्या किया, वहां पर कुछ कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती है जो सभी एलिमेंट शो करते हैं उनके प्रॉपर्टीज के ट्रेंड के बारे में देखा। ट्रेंड मतलब मैंने कल समझा था कि एक लाइन में 10 दुकानें हैं इसलिए अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी लाइक दैट वन। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, ये 118 एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, दिमाग में डाली है। जब भी मैं प्रॉपर्टीज बोलता हूँ तो प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है हमारे पास, दो टाइप की होती है। और वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। ये दोनों क्या है, दीज आर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स। प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स। दो टाइप की कौन कौन सी होती है, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है विच कैन बी स्टडीड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। ध्यान में रखना, विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना केमिकल कंपोजिशन के चेंज हुए हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, द प्रॉपर्टीज बीन स्टडीड ड्यू टू द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। समझ में आ रहा है, गॉट इट? अरे हाँ ना, कुछ बोला करो जी। यस सर। कल आप लोगों ने मुझे बताया था कि भाई जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा था कि प्रॉपर्टीज भले ही डिफरेंट हो लेकिन उनमें एक ट्रेंड दिखाई देगा। ट्रेंड मतलब क्या होता है कि कभी कभार प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी तो कभी कभार वो डिक्रीज होती है। ट्रेंड दो ही टाइप की होगी, या तो प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी या तो प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। तो फिर इसको क्या करना है, इसको ट्रेंड के हिसाब से हमने क्या किया, 118 को इनके प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इन 100 एलिमेंट को क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। ओके, देन क्यों कर लिया, ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ सके, उनको ट्रेंड को हम समझ सके, बराबर है। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया 118 एलिमेंट को, इस क्लासिफिकेशन को हमने नाम क्या दिया था, इसीलिए हम लोगों ने जब एलिमेंट को अरेन्ज किया तो वो किस बेसिस पर अरेन्ज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक नंबर पर। समझ में आ गया अभी आपको? आज हम बात करेंगे इस पूरे पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि जब तक आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा तो केमिस्ट्री को समझ पाना थोड़ा सा हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बराबर है। तो आज हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे बिल्कुल, और इसको याद करना ही होगा आप लोग को। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को याद नहीं किया तो फिर केमिस्ट्री आप लोगों के लिए नहीं है, ओके? और पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने याद किया तो केमिस्ट्री सिर्फ आपके लिए ही बनी है, वो जन्मों जन्मों तक, सिर्फ 60 जन्मों तक नहीं, जन्मों जन्मों तक आपका साथ देगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या होती है, एज आई टोल्ड यू पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ एंड एलिमेंट, पूरे के पूरे एलिमेंट का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आप लोग को अच्छे से बताया कि पीरियोडिक टेबल जब आप लोग देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में आपको क्या दिखाई देते हैं, इस तरह के वर्टिकल कॉलम दिखाई देते हैं, बराबर है, दिखाई देते हैं ना, यस सर, यस सर। तो साथ में आप लोग को इस तरह से क्या दिखाई देते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज भी दिखाई देते हैं, राइट? Yes, sir. तो पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज होती है, क्या दो चीज होती है, एक होती है वर्टिकल कॉलम
और दूसरा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोज। अगर आप लोगों ने काउंट ऑन किए तो टोटल वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, ठीक है, वो टोटल कितने होते हैं? 18। और टोटल जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 7। बराबर है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स को एक्चुअल में क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक एक चीज जो बता रहा हूँ अभी सिर्फ दिमाग में रखना है, इन सब चीजों का एप्लीकेशन आप लोग को मैं समझाऊंगा। ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप एक्चुअल में क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप लोग के लिए एक नया वर्ड आ गया होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बराबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी गुड। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, गेट इट डन। अब पीरियड जो होते हैं, पीरियड एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट या शेल जो भी आपको कहना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो चलिए अब आप पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करना है। देखिए पीरियोडिक टेबल को याद कर देंगे हम ग्रुप वाइज, टोटल कितने ग्रुप है हमारे पास? 18 ग्रुप। तो हम वन बाय वन सभी ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करेंगे। इसको याद करने के लिए हम लोग कुछ न्यूमोनिक का सहारा लेंगे, न्यूमोनिक का हम सहारा लेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री में पूरे, तो आप लोगों को अभी यहाँ पर अच्छे से फोकस करना है, ध्यान देना है। तो हम ग्रुप वाइज सारे के सारे एलिमेंट को फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट। ओके, तो ग्रुप एलिमेंट वन एलिमेंट्स होते हैं हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम। ओके, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे ये? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम। दीज आर द ग्रुप वन एलिमेंट। बड़े अब देखिए इसको याद कैसे करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसको याद करने के लिए ना एक स्टोरी ध्यान में रखना है। ये स्टोरी एक लड़की की है, लड़की का नाम है हलीना। क्या नाम है लड़की का? हलीना। ओके, अब पता तो लड़कियों की आदत होती है हमेशा जब देखो तब भगवान के पास जाती है और हमेशा फरियाद मांगती रहती है, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मेरे को वो। बाजू वाली लड़की से सिर्फ एक मार्क ज्यादा दे दो उसको 99.98% आई ले, मेरे को 98.99% आई दे दो। तो हलीना नाम की लड़की की भी यही प्रॉब्लम, वो हर बार जाती है और रब से हमेशा फरियाद करती रहती है, हर बार उसकी फरियाद अलग अलग होती है। तो फरियाद खुलती है इसके लिए हमारे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि वो फरियाद करती रहती है। तो ये वाली स्टोरी आप लोग को ध्यान में रखना है कि हलीना नाम की लड़की क्या करती रहती है? रब से फरियाद करती रहती है। ध्यान में आ रहा है हलीना नाम की लड़की क्या कर रही है? रब से फरियाद, रब से फरियाद कर रही है। गॉट इट डन। तो ध्यान दीजिए हलीना की रब से फरियाद, गॉट इट, ध्यान में आ गया। हलीना की रब से फरियाद, डन। समझ में आ गया निमोनिक क्या है? निमोनिक पढ़िए, हलीना की रब से फरियाद। ओके डन, हलीना की रब से फरियाद, डन। तो हलीना की रब से फरियाद इसका निमोनिक होता है। तो अब ध्यान दीजिए ह क्या होता है? ह मतलब हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन? वर्ड और सिंबल, ठीक है, सिंबल ध्यान में रखो। नाम ध्यान में नहीं रहा है तो भी चलेगा, सिंबल ध्यान में रखो। ह
के लिए क्या है सिंबल? एच। ली के लिए? एल आई। एल आई। एल आई। नाम के लिए? एन ए। एन ए। एन ए। के के लिए? के। 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 के के लिए के सॉरी। रफ के लिए? आर बी। आर बी। से के लिए क्या है इसे पढ़ो। से के लिए क्या है? सी एस। सी एस। सी एस। और फरियाद के लिए क्या है? एफ आर। एफ आर। एफ आर। तो ये हो गया हमारा पहला क्या ग्रुप। तो पहले ग्रुप का न्यूमोनिक ध्यान में रखना है। क्या है न्यूमोनिक? हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। हलीना। अब मुझे सिंबल बताओ। हलीना की रब से फरियाद की सिंबल बताओ। एच एच आर एल आई। आर एल आई। एन ए। एन ए। एन ए। के। 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 आर बी। आर बी। क्या है निमोनिक? निमोनिक आपको बताइए। व्हाट इज निमोनिक? हलीना की रब से फरियाद। अब हम चलते हैं हमारे ग्रुप नंबर टू। ध्यान दीजिए ग्रुप नंबर टू जो होता है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये पीरियड, ये पीरियड और ये तो ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर टू जो होता है ये ऐसे बेटे की कहानी है जो बेटा अपने बाप के पास जाता है और बाप को बोलता है मेरे को कार चाहिए, है ना, मेरा 18th बर्थडे है, मेरे को कार चाहिए मेरे बर्थडे। तो ये सुनकर उसका जो बाप है ना वो राजी भी हो गया। आजकल के बाप है, आजकल के बाप तो आपको पता ही होते हैं, वो जल्दी से राजी होते हैं, अपने बच्चों को वो दुखी देखने सके या उनकी हर दिमाग को वो पूरी करते रहते। तो उस बाप और बेटे की ये कहानी है कि बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या मांग रहा है, बेटा क्या कर रहा है, मांग रहा है किसको? मांग रहा है कार को और किसको? बाप को। ये सुनकर क्या हो रहा है? बाप सुनकर क्या हो रहा है? बाप राजी हो रहा है नहीं हो रहा है? ओके, तो ये निमोनिक का भी निमोनिक क्या है यहाँ पर? बेटा मांगे, पहले मैं सिंबल लिख लेता हूँ, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। ओके, तो ये निमोनिक है, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। क्लियर है? तो सेकंड वाले ग्रुप का निमोनिक ध्यान में रखो, क्या है निमोनिक? बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। क्या है निमोनिक? बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। चलो बोलो, क्या है निमोनिक? बेटा मांगे कार बाप राजी। ओके सर, चलो अब निमोनिक के हिसाब से मुझे सिंबल बताओ। तो बताओ क्या था? बी। ए। बी। बेटा के लिए पहले तो न्यूमोनिक का वर्ड दिमाग में लाओ, फिर सिंबल बताओ। पहला वर्ड क्या है? बेटा। बेटा के लिए बी। ई। बी। ई। देन एमजी। एमजी। मांगे के लिए एमजी। देन सी ए। सी ए। सी ए। कार के लिए सी ए। देन एस आर। बेटा मांगी कार सुनकर बाप राजी। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्रुप नंबर टू। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर थ्री की तरफ। ग्रुप नंबर थ्री जो होता है ये स्टार्ट होता है पीरियड नंबर फोर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये पीरियड नंबर फोर से स्टार्ट होता है। गेट इट? तो ये जो पर्टिकुलर की कहानी है, ठीक है, वो आचल नाम की एक लड़की है,
मैं बोल रहा हूँ वहां उसके पास छुट्टी पड़ी है और मैं उसको फोन करके बोल रहा हूँ कि छुट्टी यहाँ लेकर आना आचर, छुट्टी यहाँ लाना आचर, करेक्ट डन। तो ये वो देखिए यहाँ पर जो इसका क्या है, छुट्टी यहाँ लाना आचर, ओके ध्यान में रखना, आपको उसको ध्यान में रखना है, छुट्टी यहाँ लाना आचर, क्लियर है निमोनी, बताइए क्या है निमोनी, स्कूटी यहाँ लाना आचर, लाना आचर, यहाँ लाना आचर, तो बताइए स्कूटी के लिए क्या है, एससी, वाई मतलब यहाँ, हाँ, ये मतलब लाना, मतलब आचर, अच्छा तो क्या हो गया हमारा ये मूवी पूरा, कुटिया लाना आचर, ओके। तो तीन ग्रुप के निमोनिक हो गए, वापस एक बार रिवाइंड करते हैं, बताओ पहला वाला निमोनिक क्या था हमारा, हेलीना की रक्षा, हेलीना की रक्षा फरियाद, हाँ। देन नेक्स्ट वाला बेटा मांगे का राजी, हाँ। थर्ड वाला स्कूटीया लाना आचर, ओके डन। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर फोर की तरफ, ये भी आप लोग के फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, अब सबके सब फोर्थ पीरियड तक स्टार्ट होंगे आप लोग के 12 तक, ठीक है। तो ये जो है अभी देखिए समर का दिन था लेकिन लॉकडाउन की वजह से तो नहीं हुआ, बस समर के दिन में आप लोगों को पता है ना वो खेले रहते, देखो वो जो फालूदा वालूदा बेचते है पता है क्या आपको, हाँ। अरे yes, वो फालूदा पता है ना आपको, यस सर, यस सर, उसमें ना उस फालूदा में रोज फालूदा मिलता है, पता है क्या आपको रोज फालूदा, हाँ यस सर, पक्का खाए हो आपने, पक्का खाए हो, खाए हो क्या, नहीं खाए हो, खाए हो या नहीं खाए हो, किसी ने खाया है क्या, नहीं खाया, ओके फाइन ठीक है, तो छोड़ो कोई बात नहीं। तो देखिए ऐसा ही एक जो खेला वाला है ना फालूदा वाला, वो वहां पर रहता है, कहां पर अपना जो ये है ना नगर परिषद का जो गेट है उसके ठीक अपोजिट में रहता है, ठीक है। उसका सरनेम जो है वो तिवारी है, और मैं ना बड़ा फैन हूँ कुछ रोज फालूदा का, ठीक है, मैं रोज फालूदा ही खाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। तो जैसे समर के दिन आ जाते हैं तो मैं हर शाम को हर रात को जैसे ऑफिस खत्म हो जाता है, क्लासेस खत्म हो जाते हैं कि मैं पहले वहां जाता हूँ और वहां पर रोज फालूदा खाता हूँ, ठीक है। बंदे का नाम क्या बोला था मैंने, याद है ना बंदे का नाम क्या था, तिवारी। और मैं कौन सा फालूदा खाता हूँ बोला था, बराबर है। तो वो जो नेक्स्ट निमोनिक है वो उसके ऊपर है, ठीक है। अब भाई रोज फालूदा काफी महंगा होता है, वो मैं पूरा का पूरा लूंगा तो 50 रुपए मेरे हर दिन के खर्चे हो जाएंगे, तो आपको पता है ना जहाँ खर्चा ज्यादा होता है लेकिन हमको खाना भी है तो हम क्या करते हैं, फूल की जगह हाफ आप खाते ना, तो मैं भी रोज फालूदा खाता हूँ लेकिन कितना खाता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं तिवारी जी के पास जाता हूँ, तिवारी जी बोलता है तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा, ऐसे ऑर्डर दे देना, भैया एक प्लेट समोसा, भैया एक कट चाय, तो वैसे ही तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा, बड़े ऑर्डर वैसे दे रहा हूँ मैं, तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा, बड़े देखिये ये हमारे तिवारी जी, बोलो तिवारी जरा हाफ हाफ प्लेट फालूदा, रोज फालूदा के लिए एक ही सिंबल है, अलग अलग नहीं, रोज फालूदा के लिए एक ही सिंबल है, आ रहा है, बड़े यस सर क्लियर, हाँ। तो क्या है बताइए,